Days after the February 22nd clash between the members of the ABVP and the ISA at Ramjas College left the Delhi University campus disturbed. Hundreds of students marched through the university shouting slogans on Tuesday. Some 2,000 students, both boys and girls, walked from Khalsa College at the edge of the university through the sprawling campus and later gathered at the arts faculty shouting slogans all the time. On one hand, DU president of ISA, Kawalpreet Kaur, talking to INS said, हम लोग रिपीटेडली अपने यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि किस तरह से दो दिन का एक अकेडमिक सेशन रामजस कॉलेज में स्केड्यूल हुआ था उसको आकर एबीवीपी ने वैंडलाइज किया और उसके बाद नेक्स्ट डे जो कॉमन स्टूडेंट्स एक मार्च निकाल रहे थे उसके ऊपर पथराव किया वायलेंस को इंफ्लिक्ट किया हम लोग हर यही सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए आज यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्पेसिस को रिक्लेम करने आए हैं जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी डिबेट डिस्कशन डायलॉग की जगह इसमें कोई हूलिगनिज्म की पथराव की कोई जगह नहीं है इसीलिए आज कॉमन स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं ताकि जो पूरा फियर का एटमोसफियर यहाँ पर चल रहा है कि बच्चे अपनी क्लास अटेंड करने से डर रहे हैं बच्चे एक कोहेशन के एटमोसफियर में जी रहे हैं हॉस्टल के बाहर निकलते हैं तो उनको डर लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है वो सब ब्रेक हो सके While ABVP media convener Saket Bahuguna said, देखिए मार्च करने की सबको फ्रीडम है ये कोई कम्युनिस्टों का कैंपस नहीं है कोई कम्युनिस्टों का गढ़ नहीं है जहाँ पे अन्य लोगों को आज़ादी ना हो जैसे केरल और पश्चिम बंगाल में होता है बहुत से कॉलेजेस में दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीपी ने हमेशा ये कहा है सभी संगठनों को सभी विचारधाराओं को पूरा स्पेस है लेकिन देश को गाली देने की आज़ादी किसी को नहीं है भारत को तोड़ने की आज़ादी किसी को नहीं है आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कीजिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ कीजिए आप एबीपी को क्रिटिसाइज़ कीजिए नो प्रॉब्लम लेकिन आप कश्मीर की आज़ादी की बात करेंगे तो हम आपका दोबारा से डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करेंगे देश विरोधी नारे दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में एबीपी सहन नहीं करेगी आईएनएस रिपोर्ट